राजस्थान के झुंझुनू में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के स्क्रैप यार्ड में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि HCL का बचा हुआ रबड़ का मटेरियल और स्क्रैप सामान सेंट्रल स्टोर के पास डाला जाता था, जहां सुबह 6 बजे ये हादसा हुआ था। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग तेज हो चली है। पिछले 7 साल से संघर्ष समिति द्वारा चलाया जा रहा धरना दिया जा रहा है, जिसको 7 वर्ष पूरे होने पर समिति के आह्वान पर 7 फरवरी को अनूपगढ़ बंद का सफल आयोजन किया गया। बंद के दौरान समस्त दुकानदारों ने संगठन स्तर पर अपनी अपनी दुकानों को बंद रखकर समिति के अभियान को सहयोग प्रदान किया। वहीं धान मंडी में भी व्यापार मंडल के आह्वान पर सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और किसी भी कृषि जींस की बोली नहीं करवाई गई। बंद के दौरान बार संघ के अधिवक्ताओं ने अपनी टीम बनाकर बाजार बंद करवाए। बंद हुआ है ये अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए बंद हुआ है। पिछले 7 सालों से कंटिन्यू एक ही मांग उठाई जा रही है कि अनूपगढ़ को जिला बनाओ। आसपास की मंडियों से भी भरपूर समर्थन मिल रहा है और जो इसकी ये वाजिब मांग है ये पूरी भी होनी चाहिए। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी एकदम जो उचित है 150-150 किलोमीटर की दूरी पर है। आज छोटा सा कोई काम है उसके लिए गंगानगर जाना पड़ता है। अगर ये वाजिब मांग जल्दी ही पूरी होती है तो इसको अनूपगढ़ समेत आसपास के समस्त मंडियों को बहुत ही फायदा मिलेगा। ये 7 फरवरी 2012 को आंदोलन शुरू किया गया था यहाँ की लोकल लोगों द्वारा। 7 फरवरी 2012 से लगातार एस डी एम कार्यालय अनूपगढ़ के आगे धरना दिया जा रहा है और समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन करके सरकार से जिले की मांग की जा रही है। यहाँ के इलाके की जो समस्याएं हैं, यहाँ से जो है गंगानगर भी 150 किलोमीटर दूर है और बीकर भी 150 किलोमीटर दूर है। ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लोगों को जिला हेडक्वार्टर पर जाने के लिए बहुत सारी समस्या होती है। उस समस्या को देखते हुए इलाके की जनता ने एकत्रित होकर के ये संघर्ष शुरू किया था 7 साल पहले।